मार्केट्स की रेजिलेंस रही है. आई मीन आईटी में कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आए, कुछ आई थिंक आउटलुक उन्होंने रिड्यूस भी किए, बट स्टिल हायर लेवल्स पे सस्टेन करने की टेंडेंसी मार्केट्स की. निफ्टी अराउंड आई थिंक 19,800, बैंक निफ्टी क्लोजर टू 44,500. इसको आप कैसे देख रही हैं अनुजी? पहली आपकी एक टेक्निकल प्रतिक्रिया चाहूंगा इंडस्ट्रीज पे. बेसिकली वीरू, वी वर्क ऑन अ टेक्नो फंडा यू नो मिक्सचर, तो हम दोनों चीजों को कंबाइन करके देखते हैं. अगर आप अभी अपना रेजिलियंस देखें एंड अगर आप देखें जिस तरीके से यू नो पैसा निकला है एफआईआईस का पूरे महीने, और डोमेस्टिक्स ने लगभग उसका 90% मैच किया है इनफ्लोज के साथ, तो वो एक मेजर रीजन है कि आप टिके हुए हैं. अगर आप ग्लोबली देखें तो चाइना से पैसा अभी भी निकल रहा है. जो नंबर्स दिखा रहे हैं, जो चाइनीज के ऊपर जितने भी आप नोट्स पढ़े चाइनीज मार्केट्स के ऊपर, उनके रियल एस्टेट के ऊपर, इट इज नॉट द एंड ऑफ द सिचुएशन. वहां पे और भी प्रॉब्लम्स एक्सपेक्टेड है. थोड़ा सा उम्मीद थी कि प्रॉबेबली मिडिल ईस्ट में जो हमने 10-12 दिन पहले देखा था वो शायद यू नो सुधर रहा है, लेकिन जो कल रात को हुआ है उसके बाद, वो एक आई थिंक सबसे बड़ा क्रूशियल थिंग है. क्योंकि वो अगर जरा सा भी बढ़ा तो आपका क्रूड 100 या 120 भी हो सकता है. उस इवेंट में कोई भी मार्केट सस्टेन करना मुश्किल होगा. तो वो मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा हैंगिंग स्वॉर्ड हमारे मार्केट के ऊपर है. जहां तक कि रिजल्ट्स की सवाल है, और हमने काफी बड़े रिजल्ट्स देख चुके हैं, हम आईटी के मेजर्स देख चुके हैं, एचडीएफसी बैंक देख चुके हैं, बजाज फाइनेंस देख चुके हैं, तो उसमें से एक चीज जो मैंने देखी और जो एक ट्रेंड उभर के आ रहा है कि कोई भी कोई बड़ा बीट नहीं देगा और कोई भी कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं देगा. दे विल जस्ट मीट एक्सपेक्टेशंस और मार्जिनली बी बिलो इट. मार्केट में जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं वो डेफिनेटली कोई मेजर चेंजेस अपने पोर्टफोलियोज में नहीं करेंगे, तो उसके कारण कोई मेजर स्टॉक्स में मूव नहीं आएंगे. हाँ, जो बिल्डअप्स होते हैं यू नो पर्टिकुलर फॉर द स्टॉक रिजल्ट, उसमें आप 2-3% अप और 2-3% डाउन, वो 3-4 दिन का एक यू नो मूव देखेंगे जो स्टेबलाइज हो जाता है. तो शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए वो मूव्स आई वुड से यू नो वर्थ ट्रेडिंग है. बट जो एक मीडियम टर्म का ट्रेडर है या जो एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है, उसके लिए ये स्टेज मेरे ख्याल से कोई खास फर्क नहीं रख रहा है. हाँ, अगर आपको जिस तरीके से ये यू नो एक मिडिल ईस्ट के वॉर के कारण आपको एक अगर डाउन टर्न मिलता है, तो आई थिंक सबको अपनी एक विश लिस्ट रेडी रखनी चाहिए. जो एक उस लेवल में जो काफी चीजें हाथ में नहीं आई हैं, I would probably use that opportunity to add that to people's portfolios. So I think that is what our strategy is going to be. जिस तरीके से निफ्टी 19,834 पे आज भी होल्ड कर रहा है, we both all of us know कि 19,840-850 एक बहुत strong resistance है. वो cross करते ही you know 20,300 जो पिछली बार का high था, और 20,500-600 तक इसमें पूरी संभावना है. वो momentum के लिए आपको basically IT तो you know एक ना टूटे वो चीज है, और बैंकिंग जो आपका अभी चल रहा है 40,400-500 के बीच में चल रहा है, जिसने बेसिकली सॉरी नॉट 44,400 के आसपास चल रहा है, वो 43,800 ना तोड़े, आई थिंक दैट इज द मेन थिंग. बिकॉज अगर आप देखेंगे तो मार्च 23 में जो लो बनाया था इसने यू नो लगभग आपका, और जो अभी तक है उसका वीवैप आपका 43,800 है. तो 43,800 अगर होल्ड करता है तो आई वुड बी पॉजिटिव कि बैंक निफ्टी वापस 46,000 तक जा सकता है, एंड दैट वुड बी द मेन लेग्स ऑन व्हिच दिस मार्केट कैन होल्ड. अनु मैम, हाय, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. विश लिस्ट तैयार रखना है. आपकी विश लिस्ट में क्या है उस पर मैं बाद में आता हूँ. सही कह रहे हो आप, वेस्ट एशिया क्राइसिस, सबकी नजरें वहां पर है. गिरावट आएगी तब एक्युमुलेट करेंगे वो अलग जगह. इस समय समीकरण ऐसे हैं कि आप लोग 361 में बॉन्ड ज्यादा प्रेफर कर रहे हो वीजा इक्विटी, ऐसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं. हम इनफैक्ट हमने क्लाइंट्स को इक्विटी के ऊपर अपना एलोकेशन पूरा डिप्लॉय 75-80% तक करवाने को ऑलरेडी 3 महीने पहले बोल दिया. तो कहाँ डाल रहे हो आप लोग भाई? सब लोग कह रहे हैं मिड कैप्स तो बहुत महंगे हो गए हैं, कई सारे वैल्यूएशंस अनजस्ट हैं. अभी भी पैसा फ्लोज उन मिड कैप स्मॉल कैप एसआईपीस के थ्रू आते ही चले जा रहा है, और लिमिटेड पूल है जिसमें फंड पैसा डाल सकते हैं, तो वो वैल्यूएशंस और स्ट्रेची होते चले जा रहे हैं. तो आप लोग नया पैसा क्या कर रहे हैं? ऐसा है क्या कि लार्ज कैप ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे आप लोग को?
देखिए, हम बेसिकली जो मेरा एक जो मैं संभालती हूँ पैसा, वो एसेंशियली 80% लार्ज कैप है. तो उसमें तो कोई खास मेजर चेंज हुआ नहीं है. 20 से 25% जो हम मिड कैप में डालते हैं, उसमें हम रोटेशन कर रहे हैं. जहाँ पे आपको लगता है कि फुली वैल्यूड है वो निकल जाओ, जहाँ लगता है कि थोड़ा स्कोप है हम वापस जा रहे हैं. और ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आपको अभी भी मिल रहा है, जैसे पावर सेक्टर में है, आपके मिड कैप बैंकिंग में है, आपका इसेंशियली है स्टोरीज आपको बॉटम अप मिल रही हैं, जहाँ पे आपको 10 से 15% की तो कंफर्मेशन है. अगर मोमेंटम रहा तो आपको 20% भी मिल सकता है. लार्ज कैप में तो आप, जैसे कि आप भी खुद बोल रहे थे कि लार्ज कैप में तो काफी स्टोरीज हैं, पूरा आपका बैंकिंग पैक है जो अभी तक नहीं चला है. तो आई थिंक देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन काइंड ऑफ गो देयर. तो हम बैंकिंग का तो पूरा एलोकेशन जैसे ही पैसा आता है उसमें कर देते हैं, बाकी स्टोरीज हम धीरे धीरे ओवर 2 मंथ्स 3 मंथ्स डिप्लॉय करते हैं. क्योंकि आपने बैंकिंग की बात छेड़ी ना अनु मैम, तो एक हाँ बड़ा जी, डिबेट जहन में जो मेरे है, पता नहीं सबके जहन में है कि नहीं, एचडीएफसी बैंक वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक, एक जो डिलीवर कर रहा है, दूसरा जिसके सामने कई चैलेंजेस हैं लेकिन वैल्यूएशंस का बहुत कंफर्ट आ गया है वीज़ा वी दूसरे के, आप लोग का गो टू पॉकेट कौन सा अगर आप सिर्फ लार्ज कैप पे कंसंट्रेट कर रहे हो तो? सो देखिए, वी आर पॉजिटिव ऑन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ऑन ऑल ऑफ देम एंड दी एनबीएफसीज ऑल्सो, वेदर इट इज चोला एंड बजाज फाइनेंस. जहां तक कि आप वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, हाँ, एचडीएफसी बैंक वैल्यूएशन वाइज तो दिस इज एट द वैल्यूएशन व्हिच इट्स बीन इन द लोएस्ट ट्रैजेक्टरी. बट आई थिंक 3 से 4 महीने हैं अभी जिसमें आपको अभी कंसोलिडेशन मिलेगा. ये कंसोलिडेशन हमने देखा है 1500 के आसपास के लेवल के ऊपर सपोर्ट देता है. अभी मेरे ख्याल से 1540 है. जिस तरीके से मैं आपको बैंक निफ्टी का एक वीवैप फिगर दे रही थी 43,800 का, वही वीवैप फिगर जो एचडीएफसी बैंक का है वो 1580-83 के ऊपर है. तो जब तक वो लेवल नहीं क्रॉस होगा, एक तरीके से उसका मतलब होता है कि पूरी सप्लाई खत्म नहीं हुई है, फ्रेश बाइंग का इंटरेस्ट आ नहीं रहा है. तो वो 1580-84, वो चाहे 5 दिन बाद क्रॉस करे या 3 महीने अगले क्वार्टर के रिजल्ट के बाद क्रॉस करे, वो नहीं पता. पर मेरे ख्याल से दिसंबर रिजल्ट के बाद मुझे उम्मीद है ये धीरे धीरे करके 1700-1750 निकल जाएगा. तो अगर आप ये 1530 से 1750 भी देखें तो वो एक इफेक्टिव रिटर्न होता है. तो मेरे ख्याल से अगर आप एक 3 से 6 महीने का व्यू लेने वाले भी इन्वेस्टर हैं, तो ये लेवल्स में आपको शायद 1-1.5 महीना कुछ नहीं दिखे, बट आप स्लोली करेक्ट कर सकते हैं. आईसीआईसीआई के रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वहां पे निम कॉन्ट्रैक्शन आएगा, तो वो एक स्विचिंग कहीं ना कहीं अगले 1 से 1.5 क्वार्टर में आपको दिखेगी. सो वी आर पॉजिटिव, हमारे पोर्टफोलियो में है और बना रहेगा, लेकिन वो एक स्विचिंग जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स करते हैं या इन्वेस्टर्स करते हैं वो आपको दिखेगा. हमें इस लेवल के ऊपर एक्सेस भी अच्छा लग रहा है. आई थिंक वो आपको शॉर्ट टर्म में 4-5% दे सकता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ सम टाइम आई थिंक एक 10-11% इन 1 क्वार्टर दे सकता है. सो दिस इज अनदर प्लेस वी आर लुकिंग. एंड जैसे कि फिन निफ्टी दिखा रहा है, उसमें भी 2-3 स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं. आपका आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक अच्छा मूव देने को तैयार है. इंश्योरेंस पैक काफी दिनों के बाद आपका, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ है, वो एक दिखा रहा है मूव कि वो यहाँ से 7-8% का मूव 1 क्वार्टर में दे सकते हैं. और मैं यहाँ पे क्वार्टर की बात कर रही हूँ बिकॉज दिस इज मोर अ क्वार्टरली अपडेट. एंड उसी तरीके से बजाज फाइनेंस हम एक मूव देख देख चुके हैं रिजल्ट के बाद, आज कंसोलिडेट कर रहा है बट वो भी दे रहा है एंड चोला भी दे रहा है. तो आई थिंक दिस होल पैक इज वेयर निफ्टी हैज टू मूव विल बी बेसिस दिस. एंड आई थिंक 5 से 6% अगर आपका ये मूव ले आए बैंक निफ्टी, तो आपका निफ्टी कहाँ होगा, वो तो लगभग 21,000-21,200 तक ले जा सकता है ये 1 क्वार्टर के अंदर. अच्छा नो मैम, ये ऑटो में क्या लग रहा है आपको, क्या क्या चेज कर रहे हैं आप? एंटारा मोटर्स एट ऑल टाइम हाई, मारुति एट ऑल टाइम हाई, बजाज ऑटो के प्राइस परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, M&M भी क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई, क्लोजर टू आई थिंक न्यू ईयर, एक तो फेस्टिवल डिमांड फिर उसके बाद न्यू ईयर डिमांड, आप लोग क्या चेज कर रहे हैं ऑटो में इस वक्त? तो यहाँ पे वीरू बेसिकली ये देखना पड़ेगा कि किसका ये फेस्टिव डिमांड के बाद कंसिस्टेंसी रहेगी. तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे हीरो अच्छा लग रहा है. बेसिकली 3172 कल का क्लोज था, तो मेरे ख्याल से अगर ये 3080 ना तोड़े
तो ये करीब 3400 के आसपास जा सकता है, तो विच इज रफली अबाउट 6-7%। तो मैं इस समय एक क्वार्टर में करीब 5 से 6% निफ्टी का मूव दे रही हूँ, तो उसमें निफ्टी के साथ क्या सपोर्ट देगा, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा आपको शायद हीरो दे सकता है। अच्छा एक सवाल मैम, मैं इनफैक्ट आप एनबीएफसी पर टिप्पणी करके निकल गई तो शायद वो मैं ले नहीं पाया प्रश्न, बट बजाज फाइनेंस इस बार का मूव इसका बहुत स्ट्रांग रहा, और पिछली बार जब जनवरी 2021 में अपना इसने प्रीवियस स्विंग हाई काटा था 5960 का, तो उसके बाद वहाँ से करीब करीब समझ लीजिए 3000 रुपये का स्विंग आया था। इस बार कुछ वैसे सरकमस्टेंसेज हैं, ये अपना सितंबर 2022 का हाई क्रॉस कर रहा है 8000 का। मैम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से B2 पे आपका टेक क्या है बजाज फाइनेंस सर्फिंसर पे? तो पहले कैविट दे दूं, दिस इज देयर इन माय पोर्टफोलियो तो बायस होगा, एंड दिस इज देयर इन क्लाइंट पोर्टफोलियोज आल्सो। बट 8200 जो हमने ये पिछले 2 हफ्ते में 2-3 बार अटेम्प्ट देखा है, आई थिंक वो क्रॉस होगा। तो 85-85-50, एंड दिस इज आल्सो, उसको अगर आप लिंक करेंगे तो 31st को उनका फंड रेज का रेजोल्यूशन है, जिसके बाद मेरे ख्याल से 7-8 तारीख के आसपास ये फंड रेज करेंगे। तो आई थिंक उस समय आपको ये एक, मेरे ख्याल से इफ आई वर टू कोलाइड द इवेंट्स, उस समय तक आपको दिखेगा। जहां तक कि कल के बाद जो ये आज 1.5% करेक्ट कर रहा है, मेरे ख्याल से 8030 क्रॉस करेगा, तो एक 8030 के बाद आई थिंक जो ये एंटिसिपेशन ऑफ रिजल्ट में जितने ट्रेडिंग पोजिशंस बने थे, वो जिसको मैं कहूंगी अपने लैंग्वेज में हजम हो गए, तो 8030 के ऊपर आई थिंक इसमें एक मोमेंटम बढ़ सकता है। बट हाँ, आई एम कम्प्लीटली इन सिंक कि ये फॉर द शॉर्ट टर्म एक क्वार्टर में शायद आपको 85-86 डेफिनेटली दे सकता है, मे बी इट कैन इवन गिव यू हायर देन दिस, बट उसके